हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो पेपर टू के लिए रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग डिटेल में टॉपिक्स को देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। पेपर टू SST के लिए ये वीडियो रहने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। जो लोग भी पेपर टू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और SST के लिए बेसिकली स्टूडेंट है, तो उनके लिए तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना, क्या क्या पढ़ना है सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे प्रिपरेशन करनी है SST की वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना, PDF में मिल जाएगा। तो यहाँ हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं SST पेपर 2 का, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। कोई भी डिले नहीं रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है पेपर 2 के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की। टॉपिक वाइज सिलेबस रहेगा SST के लिए, तो इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं आप लोगों के लिए। और अब आपसे देखते हैं कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास एंशियंट इंडिया। इतिहास के अंदर हम प्राचीन भारत को देखेंगे, और प्राचीन भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। पर देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेने हैं हमें, बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेने हैं सिलेबस से। वही मैं आज यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि इन्हीं टॉपिक से आप प्रिपेयर करें, क्योंकि काफ़ी वाइड सिलेबस है SST का पेपर 2 के लिए उत्तराखंड टेट में। तो प्राचीन भारत से आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके साथ साथ वैदिक काल, यानी कि वैदिक पीरियड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं उन पर आपको स्टडी करनी है। दूसरा फिर आता है हमारे पास मौर्यन एम्पायर, इनके मौर्यन समाज, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई मौर्यन एम्परर से। साथ साथ इसी के आ जाता है गुप्ता समाज, यानी कि गुप्ता एम्परर। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको मिस नहीं करने, जो हिस्ट्री के अंतर्गत हैं। मेडिवल इंडिया, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, यानी कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, तो ये आपका हिस्ट्री का बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सिलेबस में से जो बिल्कुल चीज़ें प्रिसाइज हैं एज पर टू द एग्जामिनेशन, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ऐसे अगर आप बात करेंगे, हिस्ट्री का बहुत वाइड सिलेबस है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न इंडिया। इसके बाद क्या आता है भाई हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया आता है। मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत में आप क्या चीज़ें पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। ब्रिटिश उपनिदेशकवाद, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनलिज्म पढ़ना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से मुख्य नेता थे, कौन कौन सी घटना हुई है, और क्या क्या भाई टर्निंग पॉइंट्स थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। इंडियन नेशनल मूवमेंट, प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको साथ साथ करा रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर की एक वीडियो डाल दी है मैंने SST की, तो वहाँ से आपको काफ़ी समझ बन जाएगी। सेकंड वीडियो भी आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बिल्कुल भी डिले मत करो, और वीडियो पसंद आ जाए ना तो लाइक ज़रूर करके जाना, कॉमेंट एक लीव करना क्या आपको नेक्स्ट चाहिए यूटेट प्रिपरेशन के लिए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत जो संविधान है, योजना है, और जो चुनौतियां हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनता है, क्या क्या चैलेंजेस आए इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। तो ये मॉडर्न इंडिया की बात होगी, हिस्ट्री के अंदर बात क्लियर होगी। अब हम देख लेते हैं कुछ इतिहासकार और क्या क्या स्रोत रहे हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो इसका वीडियो का PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्या क्या हिस्टोरिकल और सोर्सेज, यानी कि इतिहासकार, लेखन और स्रोत, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या हैं, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत प्राइमरी और द्वितीयक। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि ऐतिहासिक व्याख्या की क्या क्या महत्व है। तो ये यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं देखो, जो आपको पढ़ने में मदद करेंगे। आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है वो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, कि कैसे क्या क्या आपको स्ट्रेटजीज लगानी है, क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको पेपर 2 के लिए फॉलो करनी है, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। बोनस टिप्स रहेंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को लास्ट तक और वीडियो को लास्ट तक फॉलो करते रहें। नेक्स्ट आता है पार्ट हमारा हिस्ट्री में, मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस बता दिया है। ज्योग्राफी वाला पोर्शन आता है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, यानी कि भौतिक भूगोल की बात होगी यहाँ पर। अर्थ एंड इट्स मूवमेंट, भाई अर्थ वाले चैप्टर से या अर्थ वाले पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो लेयर्स होती हैं लेयर्स ऑफ अर्थ, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन यूटेट में पूछे गए हैं, कि जो भूमिगत में जो लेयर्स आती हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। एटमॉस्फेयर में के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एटमॉस्फेयर पर्यावरण,
कि जो लेयर होती हैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो भूगोल में बात करेंगे, अर्थ एंड इस मूवमेंट, पृथ्वी और उसकी गति के बारे में आपको पढ़ना है। मेजर लैंडफॉर्म्स यानी कि कौन कौन से माउंटेन्स हैं, मुख्य जो पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है। क्लाइमेट एंड वेदर यानी कि जलवायु और मौसम के बारे में स्टडी करना है। और नेचुरल रिसोर्सेज, सोयल, वाटर, मिनरल एंड फॉरेस्ट, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मिट्टी, खनिज और वन। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं जैसे लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये कितने कितने डिस्टेंस पर हैं, कौन सी लेयर में क्या क्या गतिविधि होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूटेट से। अब इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के बारे में कि क्या क्या भौगोलिक चीज़ें आपको पढ़नी है ज्योग्राफी के अंतर्गत, यानी कि क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं भारत में, भौगोलिक विशेषताएँ जैसे हिमालयन से रिलेटेड, हिमालयन रेंज, इंडो गंगा प्लेन्स, डेकन प्लेटू यानी कि दक्कन का पठार, इंडो गंगा मैदान, हिमालय, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम आपको पढ़ना है, नदियाँ और जल निकास प्रणाली, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन यानी कि जलवायु और वनस्पति पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन यानी कि प्राकृतिक संसाधन उनका संरक्षण किस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन में आपके फॉरेस्ट आ गए, तो फॉरेस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। यूटेट की अगर हम बात करें तो हम किस तरीके से अपने फॉरेस्ट को यानी कि जो भी लैंड है, लैंड पर जो हमारा फॉरेस्ट है उसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पहाड़ी एरिया है वहाँ पर फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से वहाँ पर आंदोलन चले हैं हमारे हिस्ट्री में, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें स्टडी करनी है। तो प्राकृतिक संसाधन जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे ग्लेशियर्स हो गए, तो उनको हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है, तो ये सारी चीज़ें हमें पूछी जाती हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। अब देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल एक सिलेबस का पार्ट है, तो इसमें आपको क्या चीज़ पढ़नी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी यानी कि जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में पढ़ना है, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट यानी कि ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बारे में कि भाई कितनी कितनी पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, किस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है उस पर आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ या कृषि और संबंधित गतिविधियाँ, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना, उद्योग एंड परिवहन के बारे में। अब देखो जैसे कृषि एंड संबंध गतिविधियाँ हैं, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है कि कौन कौन सी क्रॉप्स बोई जाती हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स कौन कौन से सीज़न में बोई जाती हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं यू टाइप में कि जैसे रबी क्रॉप हो गई, खरीफ क्रॉप हो गई, तो ये कौन कौन सी क्रॉप्स हैं या किस सीज़न में कौन सी क्रॉप बोई जाती हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं सारी चीज़ें। और इसमें क्या क्या चीज़ें इनसे एग्रीकल्चर में जो गतिविधि होती हैं उसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है, सॉयल से कई बार पूछा जाएगा, मृदा से कि सॉयल किस प्रकार के सॉयल क्वेश्चन कराया है मैंने, इसलिए आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में भी पूछा है कि जो क्लेली सॉयल होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सैंडी सॉयल होती हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई हम मैप स्किल्स, तो कुछ क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं मानचित्र पर बेस्ड होते हैं, मानचित्र कौशल आपको पढ़ना है कि कैसे आप पढ़ सकते हो मानचित्र को, या उसका स्केल्स और डायरेक्शन क्या होती है, पैमाना और दिशाएं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आता है भाई नागरिक शास्त्र पर बेस्ड यानी कि सिविक्स के बारे में बात करेंगे, इसमें पॉलिटिकल साइंस पर देख लेते हैं पहले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ना है, भारतीय संविधान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं संविधान के बारे में वो आपको नज़र डालना है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, दूसरा डेमोक्रेसी एंड इट्स वैल्यू, लोकतंत्र और उसके मूल्य, तो ये हो गया आपका सिविक का सिलेबस। अब इसमें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें कि कैसे चुनाव और राजनीतिक दल या चुनाव प्रक्रिया या प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, दूसरा भूमिका और प्रभाव यानी कि क्या है प्रेशर ग्रुप्स, इनके रोल एंड इन्फ्लुएंसेस क्या हो सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन जनता की राय किस प्रकार से आप इनको का गठन कर सकते हैं, लोकतंत्र में भूमिका क्या क्या होगी। नेक्स्ट आता है बहुत अच्छा जो सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं, प्रीवियस ईयर में भी हमने देखे हैं, अभी आगे और आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर के माध्यम से कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, दूसरा सार्क्स क्या है, ब्रिक्स क्या है, G20 क्या है, WTO क्या है, इनकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन संगठन के क्या क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लोबल इश्यूज यानी कि वैश्विक मुद्दे क्या क्या हैं जैसे ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, एनवायरनमेंट से इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन मिलेगा आपको,
आतंकवाद टेररिज्म से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की प्रक्रिया, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की यानी कि अर्थशास्त्र की, क्या आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर बुनियादी अर्थव्यवस्थाएँ, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या उत्पादन है, क्या क्या उपभोग है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मनी और बैंकिंग से भी क्वेश्चन किए जाते हैं, मुद्रा और बैंकिंग से क्वेश्चन हो गए। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में स्टडी करनी है, और कंज्यूमर अवेयरनेस यानी कि उपभोक्ता जागरूकता क्या होती है। तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में आपके पास चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, देखो 60 नंबर की पैडागॉजी पूछ, 60 नंबर 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं SST के अंतर्गत, ठीक है। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, जिसमें से जो पैडागॉजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। मैं अगर 60 में से डिवाइड कर दूँ तो 40 to 45 क्वेश्चंस आपके जो है सारे ऊपर जो मैंने सिलेबस बताया उससे होंगे। अब रिमेनिंग आपके 15 क्वेश्चंस जो हैं, आपको आसानी से 15 क्वेश्चंस पैडागॉजी के मिल जाएंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो पैडागॉजी के क्वेश्चन है 10 से 15 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा वेटेज है। अगर आप 15 नंबर यहाँ से स्कोर कर लेते हैं, 45 में से अगर आप यहां से कुछ भी नहीं तो 25 भी अगर आप स्कोर करते हैं, 25 टू 30 भी आप स्कोर करते हैं, 15 मार्क्स यहां पर हो गए तो इजीली आप 45 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं 60 में से। और ये काफ़ी अच्छा स्कोर होगा अगर आप 60 में से 45 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक हैं। नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़ की, किस प्रकार की प्रकृति है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसकी प्रकृति है, क्या क्या सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य हैं, और क्या क्या उनके शिक्षण, किस प्रकार से शिक्षण किया जाता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित बाल शिक्षण। देखो पैडागोजी का पोर्शन मैं आप लोगों के साथ CDP लगातार डिस्कस कर रहा हूँ, उसी प्रकार की CDP को हमें कहाँ अप्लाई करना है, सोशल स्टडीज़ में यानी कि सामाजिक अध्ययन में अप्लाई करना है। टीचर लर्निंग मटेरियल TLM बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसोर्सेज कि अधिगम के लिए क्या क्या सामग्री और क्या क्या संसाधन यूज़ किए जाते हैं पैडागॉजी में। अगर बात करें SST में इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, किस प्रकार से बच्चे का आप मूल्यांकन और आकलन कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। करेक्शन ऑफ सोशल स्टडीज़ एंड अदर सब्जेक्ट यानी कि अन्य विषयों के साथ साथ सामाजिक विज्ञान का क्या सहज संबंध है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये पैडागॉजी के SST से रिलेट करें तो हम। नेक्स्ट बात करें मेथड्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़ के, पर कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिसके माध्यम से आप सामाजिक विज्ञान को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग हो गया, डिस्कशन मेथड यानी कि भूमिका निभाना, परियोजना विधि, समूह चर्चा, या फिर संसाधनों का उपयोग, कौन कौन से टेक्स्ट बुक का उपयोग कर सकते हैं आप, चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, मैप का यूज़ कर सकते हैं, जो टूल्स होते हैं ICT टूल्स होते हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनसे क्वेश्चन पैडागोजी के बनते हैं, ये पैडागोजी के वो पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो इन पर आपको नज़र बनानी है, इनको आपको रेगुलर वे में स्टडी करना है। नेक्स्ट बात करते हैं पैडागोजी में इवैल्यूएशन इन सोशल स्टडीज़, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं, जैसे रिटन टेस्ट के माध्यम से आप आकलन कर रहे हैं, ओरल टेस्ट के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, या असाइनमेंट। कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन CCE इम्पॉर्टेंट है, CDP में भी इम्पॉर्टेंट है, और CDP इन SST इसमें भी इम्पॉर्टेंट है भाई, सतत रूप से चलने वाला मूल्यांकन। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, CCE क्या है, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको और कितने टाइप्स का होता है, सारी बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो में कवर अप कर दूंगा CDP के अंतर्गत, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है क्या क्या चैलेंजेस होते हैं सोशल स्टडी को पढ़ाने के लिए, यहाँ से आपको पैडागोजी के क्वेश्चन मिलता है। तो देखो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपसे बोला 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएंगे SST के अंतर्गत। एड्रेसिंग डाइवर्सिटी की, विविधता को संबोधित करना, बहुसंस्कृता या फिर समावेशी कक्षाएं, तो देखो समावेशी कक्षा मैं पढ़ा चुका हूँ। डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग रोल एंड डिबेट्स की, आलोचनात्मक सोच का विकास, वाद विवाद और विचार विमर्श की भूमिका। वैल्यू एजुकेशन थ्रू सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन के माध्यम से क्या मुख्य मूल शिक्षा मिलती है हमें। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या क्या जैसी चीज़ें हैं, क्या क्या कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं या टिप्स हैं जिसके थ्रू हम जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं पेपर टू SST के लिए। तो देखो सबसे पहले आपको हमें सिलेबस समझना है, जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको आपको देखना है, कौन कौन से पॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस की, इसीलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। NCERT की बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं, जो आपके 6th to 8th है,
उन बुक्स को काफ़ी अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी सिलेबस की चीज़ें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, जिसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं चैनल पर। यहाँ पर मैंने वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं प्रीवियस ईयर की, साथ में आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलप पैडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की, क्या क्या पैडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे हम। यूज ऑफ मैप्स एंड डायग्राम्स, इसका भी यूज करेंगे। और जो करंट अफेयर्स हैं, डेली के जो करंट अफेयर्स हैं भाई, उनके बारे में भी हमें नजर डाल के चलनी है एसएसटी के अंतर्गत, ठीक है। पैडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यानी कि सीडीपी वाले पार्ट को आपको पढ़ना है अलग से, प्रैक्टिस पेपर आपको करने हैं, साथ साथ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, सिलेबस को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है, और कुछ करंट अफेयर्स देखने हैं। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं एसएसटी के लिए, पेपर टू के लिए। आई होप आपको ये सिलेबस से आइडिया मिलेगा कि कहाँ से आपको एसएसटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।